हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हार्टी एंड हेल्दी किचन। सो आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है खोवा की रेसिपी। खोवा हम लोग मार्केट से भी लेते हैं, पर घर में बनाए हुए खोवे की बात ही कुछ और होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 1 लीटर दूध ले लेंगे। आप किसी भी तरह के दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका दूध ज़्यादा गाढ़ा और अच्छा दूध है, फुल फैट मिल्क है, तो आपका खोवा ज़्यादा बनेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी पर्टिकुलर टाइप के दूध से ही आपका खोया बने। आप किसी भी तरह के दूध से खोआ बना सकते हैं। तो सबसे पहले दूध को पैन में डाल देंगे और उसको नीचे से हल्का सा चला देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा दूध तले में बैठेगा नहीं। तो बस हम इसको चलते से मिला देंगे और इसके बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। मावा बनाना बहुत ही आसान है, इसमें किसी भी तरह की ट्रिक की ज़रूरत नहीं होती है। बस बेसिकली आपको इसको चलाते रहना है। देखिए, दूध में बॉईल आ गया है और ये इसको बस यूं ही चलाते चलाते बस इसको सुखाते जाना है दूध को, साइड से किनारे को भी खुरचते जाए ताकि हमारा मावा वेस्ट ना हो। मावा एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप अगर बनाकर फ्रिज में रख देते हैं, घर पे रख लेते हैं, तो बहुत सारी मिठाइयों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि गाजर का हलवा बनाने के लिए मावा का इस्तेमाल किया जा सकता है, गुलाब जामुन बनाने के लिए आप मावा का इस्तेमाल कर सकते हैं, कई तरह की मिठाइयों में आप मावा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ार से भी मावा आप ला करके बना सकते हैं, बट कई बार क्या होता है ना कि या तो ये अवेलेबल नहीं होता है, या अगर होता भी है तो इसकी रेट बहुत ज़्यादा होती है। और काफ़ी शॉप वाले ऐसे भी होते हैं जो इसमें मिलावट यानी कि मैदा वगैरह कुछ भी मिला करके इसकी प्योरिटी को बहुत ही कम कर देते हैं। तो सबसे बेहतर होता है कि आप मावा घर पर ही बना लें। इस तरीके से दूध को सुखा के आप जो मावा बनाते हैं तो ये काफ़ी प्योर मावा बनता है, जिससे किसी भी मिठाई में एक बहुत ही अच्छा सा एक फ्लेवर ऐड होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा दूध काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होने लगा है, ये गाढ़ा हो गया है। इसमें आपको थोड़े थोड़े मावा भी दिखाई दे रहे हैं। बस इसी तरह से इसको खुरचते हुए सब तरफ से जमा करते हुए बस आपको पकाते जाना है। देखिए, दूध काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। बस जब ये ज़्यादा गाढ़ा होने लगे तब आप इसको ना छोड़े, बस इसे यूं ही चलाते रहे। आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर डाल के आप किसी फ्लेवरफुल यानी इलायची फ्लेवर वाला मावा, या सैफ्रन वगैरह डाल के सैफ्रन फ्लेवर वाला मावा भी बना सकते हैं। लेकिन मैं प्रिफ़र करती हूँ और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि मावा जब बनाएं तो उसमें किसी भी तरह के फ्लेवर का इस्तेमाल ना करें, ताकि अगर प्लेन मावा आपके पास हो तो किसी भी तरीके के मिठाई वगैरह आप बना करके उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा मावा ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है, काफ़ी गाढ़ा हो गया है। ये देखिए, ये तले में चिपक जा रहा है, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि ये तले में ना चिपके। इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। ये जब दूध धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है तो इसमें से घी की भी खुशबू आ रही है। ये देखिए, मावे का कलर भी चेंज होने लगा है, ये गोल्डन गोल्डन सा होने लगा है। तो आप देख ही सकते हैं मावा बनाना कितना ज़्यादा सिंपल है। बस चलाते जाना है और इस दूध को गाढ़ा कर लेना है और हमारा मावा बनकर तैयार है। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ये 1 लीटर दूध से इतना सारा मावा बन गया है, बहुत ही अच्छा मावा बनकर तैयार हुआ है। आप भी इसी तरीके से मावा बनाएं, घर पे खाएं, सभी को खिलाएं, तरह तरह की मिठाइयाँ बनाएं। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी प्यारी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।